पहले दोस्तों आज हम बात करना है उत्तराखंड की डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपका यहाँ पर 25 मई को दिया था आप लोगों ने, और साथ में आप जो है काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू के लिए, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। और 455 के करीबन जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी, और उसके बाद आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करा गया था आप लोगों ने। यहाँ पर जो है उसके बाद जो मुख्य आपकी परीक्षा होनी है इंटरव्यू बेस पर ही आपका जो है सिलेक्शन होना है वहाँ पे, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, मेरे ख्याल से 5 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। जितने भी डॉक्यूमेंट थे आयोग को आप लोगों ने भेज दिया होगा। काफ़ी लोग जो है कमेंट कर रहे थे डीएलएड को रिजल्ट के बारे में और असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू कब तक होगा, क्या होगा करके। तो यहाँ मुझे कि पता करने के बाद आपको बता दूँ मैं यहाँ पर आपको, ठीक है। तो डीएलएड का जो रिजल्ट है ना वो आपको यहाँ पर 15 तारीख से पहले पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जुलाई में, ठीक है। जुलाई 15 से पहले पहले आपको यहाँ पर डीएलएड का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, और उससे पहले भी मिल सकता है, लेकिन इतना जो है अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 15 जुलाई से पहले पहले आपको देखने को मिलेगा। डीएलएड का जो रिजल्ट है वो तैयार हो चुके हैं मोस्टली, और लगभग जो है कुछ काम नहीं रहा है उसमें, और ठीक है। और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा जुलाई में। और उसके बाद यहाँ पर जो 455 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू का है प्रोसेसिंग, आपका सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपका इंटरव्यू होना है। और इसके लिए अगर आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए इसका जो जो डेट शीट है ना वो आपको यहाँ पर जो है जुलाई लास्ट तक, ठीक है, जुलाई लास्ट तक जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। और लास्ट जो जुलाई से उसके बाद आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, जुलाई लास्ट लास्ट से आपका इंटरव्यू करना प्रारंभ कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा, ठीक है। तो ये दो अपडेट्स है जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं डीएलएड और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में।